मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में शुक्रवार को और गिरावट दर्ज की गई है। उन्हें किडनी में संक्रमण की समस्या हो गई है। इसके बाद उन्हें इस समस्या के संबंध में सबसे एडवांस सपोर्ट पर रखा गया है और उपचार किया जा रहा है। मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में और गिरावट दर्ज की गई है। उन्हें किडनी में संक्रमण की समस्या बढ़ गई है। इसके बाद उन्हें समस्या के संबंध में सबसे एडवांस सपोर्ट पर रखा गया है और उपचार किया जा रहा है। वह डॉक्टरों की सघन निगरानी में है। इस बीच शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों और डॉक्टरों से बात की। उन्हें विश्वास जताया सपा संरक्षक जल्द स्वस्थ होंगे। वहीं पिता की सेहत की जानकारी लेने अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने के लिए हवन यज्ञ कर रहे हैं। कहीं पत्र लिखकर अपनी इच्छा से किडनी फेफड़े देने की बात कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो इस समय मेदांता हॉस्पिटल में है और बीमारी से ग्रस्त हैं। उनके लिए स्वस्थ रहें और हमारे बीच में रहें। आज हम समाजवादी पार्टी के जनपद हापुड़ से सभी कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर उनकी स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए हवन करा रहे हैं।